सोमवार की जो अष्टमी है ये शिव और पार्वती के मिलन का बिंदु है। शंकर और पार्वती के मिलन का सुख है और केवल मेरा देव अधिदेव महादेव अकेली पार्वती नहीं, पार्वती जी के जितने जितने अंश हैं, माँ जगजननी के जितने स्वरूप हैं, 64 योगनियों के साथ में भगवत भजन में स्मरण में भगवान शिव की भक्ति को धारण करना और शिव में ही समा जाना। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जितने श्रोता भाई बहन भगवान शिव की इस पावन कथा को सुन रहे हैं, उन सब से कहूंगा मौका मत छोड़ना। 7 बेलपत्र, 1 लोटा पानी, 1 जल का पात्र, और उस साल 7 बेलपत्र में भी मध्य की बेलपत्र में बीच वाली पत्ती पर केसर का भाग घिस कर चंदन बनाकर उससे ओम लिखकर, और दोनों जो पत्तियां हैं उस पर गणेश जी रिद्धि सिद्धि और माता पार्वती जी का कार्तिकेय जी का स्मरण कर उस पत्ती पर कैसर चंदन की बिंदी लगाकर बाबा देव अधिदेव महादेव को अशोक सुंदरी की जगह पर समर्पित करिए। और उसी में से एक बेलपत्र वापिस बाबा से लेकर आइए कि मेरा यह कार्य है बाबा और आपको करना है। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, फिर मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। बाबा तेरे भरोसे पर यह कार्य किया, तुम्हें साधना। शिव से निवेदन कर एक बेलपत्र बाबा की वापिस लेकर आए, उसको संजो कर रखे। अगर मान लो किसी पति पत्नी का तलाक तक की नौबत हो गई और तलाक नहीं कराना है, आपस में वापिस प्रेम बढ़ जाए, छोरी वापिस घर में रहे, बेटा उसको रखे, बहू रहे, आपस में प्रेम बढ़े, वो भले मायके चली गई हो, वो भले लड़का छोड़कर चले गया हो, अकेली रह रही हो और चाहती है कि मैं पति के साथ रहना है, तलाक नहीं होना चाहिए, हम दोनों में प्रेम रहे, वो संभाले मेरे को भी और मैं भी आदर करूँ, वो भी आदर करे, तो मेरा निवेदन है कच्चा जो सूत होता है, कच्चा जो धागा होता है, नंदी के ठीक पीछे बैठकर कोई साथ में आपके परिवार का कोई व्यक्ति चले जाए और हस्त कमल को जिसको अपने परिवार में वापस रहना है, उस स्त्री हो या पुरुष हो दोनों में से कोई भी नंदी के पीछे बैठकर सोमवार की जिस दिन अष्टमी पड़े उस दिन नंदी के पीछे बैठकर हाथ को ऐसा बंद करना है, हाथ में एक बेलपत्री रखना है सीधी सीधी बंद कर 7 बार उस हाथ पर कच्चा सूत लपेट देना है, उस सूत को वापस निकाल लेना है, बेलपत्री के साथ में, और बेलपत्री को तो अपने पास में रखना, सबसे पहले माता पार्वती का जो हस्त कमल ऐसा होता है शिव मंदिर में, उस हस्त कमल में वो सूत जो आपके हाथ से निकला है वो उसमें डाल देना है, माँ जगत जननी से प्रार्थना कर और जो बेलपत्री आपने संबंध को जोड़ने के लिए अपने हाथ में ली है वो शंकर भगवान के कटी भाग में, फिर निवेदन करूंगा कटी भाग को समझ लीजिए, ये शिवलिंग रखा है जहां पर शंकर भगवान का शिवलिंग माता पार्वती जी के हस्त कमल पर जो शिवलिंग रखा है ये भाग कटी भाग कहलाता है। इस जगह पर जहां शंकर और पार्वती का मिलन हुआ है उस जगह पर उस बेलपत्री को रख देना है। महाराज ज्यादा से ज्यादा 3-4 महीने लगते हैं, दोनों में वापिस प्रेम बढ़ जाता है, दोनों एक हो जाते हैं, तलाक तक बात चल भी रही हो तो वो तलाक समाप्त हो जाता है, प्रेम करुणा आसक्ति स्नेह बढ़ जाता है, संबंध टूटने की कतार पर। एक बार माता पार्वती को समर्पित तो करो अपना संबंध कि माँ अब तुझे नहीं भाना, माना मैंने अपशब्द कह दिया होगा, माना मेरी गलती होगी, थोड़ी गलती उनकी भी होगी, पर दोनों की गलती है माँ, अब इस संबंध को तुझे निभाना। जब कच्चा सूत माता के हाथ में रखो तब माता को विनती करना इस संबंध की डोरी अब तेरे को दे दी, दीन बंधो दीना नाथ मेरी डोरी